हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 4 पे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर का नाम है और आज का हमारा टॉपिक है बायोट एंड सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ से पहले हम ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। ओस्टर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था 1820 में, डेनिश साइंटिस्ट ओस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर आपके पास में करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इसके पास में हम कोई मैग्नेटिक कंपास बॉक्स, कंपास क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखते हैं या डायरेक्शंस को पता लगाते हैं, उसे हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है और उसमें नॉर्थ और साउथ, आपको पता है नीडल में दो डायरेक्शंस होंगी, एक नॉर्थ और एक साउथ, और ये जो है किसी पाइवट पे, किसी कील पे घूमती है, तो ये मैग्नेटिक कंपास होता है। और जब हम इसे करंट कैरिंग वायर के पास में रखते हैं तो इसके अंदर एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें और फिर मैग्नेटिक कंपास को इसके पास रखें तो नीडल जो है अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाती है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सबसे पहले ये ओस्टर्ड साइंटिस्ट ने पता लगाया था, इसलिए इसे हम ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसे आप सिंपली वैसे भी कर सकते हैं कि आप एक करंट कैरिंग वायर को किसी कार्डबोर्ड में से पास करवा दें, कार्डबोर्ड यानी गत्ते के टुकड़े में से, और इसके चारों तरफ यहां पर आप आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे का चूरा जब आप डाल देंगे तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में आयरन फिलिंग्स जो है वो अपनी शेप बना लेंगी इस कार्डबोर्ड के ऊपर। दिस इज कार्डबोर्ड। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है ये दिखा रहे हैं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स की फॉर्म में है और इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि अगर जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपना थंब रखेंगे तो जो आपका फिंगर्स जिस डायरेक्शन में घूमेंगी, ये तो घूम रही हैं फिंगर्स, ये डायरेक्शन ही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि यहां अगर ये कार्डबोर्ड ऐसे रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां इनवर्ट जा रही है इस डायरेक्शन में, इस बोर्ड के प्लेन के इनवर्ट जा रही है, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड आ रही है। तो जो इनवर्ट जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसे हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। क्रॉस का मतलब कोई भी वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है उस प्लेन के, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है यानी कि क्रॉस लगाएंगे, और जहां पर ये आउटवर्ड निकलता है मैग्नेटिक फील्ड वहां पर हम डॉट लगाते हैं। डॉट का मतलब आपके पास में कोई एरो है, इस एरो का ये जो एरो हेड है इसकी जो टिप है वो डॉट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि बाहर की तरफ कोई एरो आ रहा है, कोई वेक्टर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर आउटवर्ड आ रहा है तो उसे हम डॉट की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो इनवर्ड जा रहा है किसी प्लेन में तो इनवर्ड का मतलब एरो की टेल दिखाई दे रही है तो उसे हम क्रॉस से डिनोट करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट ओस्टर्ड ने पहले कर दिया था, उसके कुछ सालों बाद में बायोट एंड सेवर्ट ने मैग्नेटिक फील्ड की मेजरमेंट करने के लिए अपना एक लॉ दिया। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या है उसे देखते हैं। तो आपके पास में करंट कैरिंग वायर है, ये कैसी भी शेप की हो सकती है, थोड़ी मुड़ी तुड़ी भी हो सकती है, और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है। अगर आप पूरी वायर की वजह से देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड तो दैट विल बी बी, वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड। हमें पूरी वायर की वजह से नहीं, एक छोटे से सेगमेंट, वायर के एक छोटे से सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो लेट वो सेगमेंट यहां से लेकर यहां तक का है और दिस सेगमेंट इज कॉल्ड डीएल। अगर इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखें
तो ये हो जाएगा यहां से यहां इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हो जाएगा ये वेक्टर डीएल, इस एरो की डायरेक्शन, वेक्टर डीएल की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। और सपोज आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दिस इज द पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने डीएल के मिड पॉइंट से मिला दिया, लेट दिस एंगल इज थीटा। ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डीएल क्या है, वेक्टर आर। आपको इस वेक्टर आर के टिप पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बिकॉज यू आर डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट ऑफ वायर, एक छोटे से टुकड़े की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, डी बी। डी का मतलब स्मॉल, स्मॉल क्वांटिटी है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेक्टर डी बी। और डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब रखो, जिस डायरेक्शन में फिंगर जाएंगी, फिंगर जा रही है इनवर्ड, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है यहां पर। इनवर्ड वेक्टर के लिए हम यहां क्या लगाएंगे, क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, बायोट एंड सेवर्ट ने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है डी बी वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन करंट, फर्स्ट क्वांटिटी इज करंट, जितना ज्यादा करंट आई होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मीन्स डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। ये आपको पता भी चल रहा है, ज्यादा करंट यानी कि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम करंट यानी कि कम मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, ये जो डी बी है इट इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ वायर, जितनी लंबी आप वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखोगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, छोटी वायर देखोगे छोटे से सेगमेंट के लिए तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, लेंथ ऑफ वायर सेगमेंट। थर्ड क्वांटिटी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दिस करंट सेगमेंट, करंट एलिमेंट बोल दो या सेगमेंट बोल दो, ये जो सेगमेंट है डीएल, डीएल और वेक्टर आर के बीच का एंगल है थीटा, तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा का मीनिंग ये है कि इफ थीटा इज जीरो, इफ दिस एंगल थीटा इज जीरो तो देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, बिकॉज साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तब भी मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो, बिकॉज साइन 180 भी जीरो होता है। अगर आप वायर के ऊपर ही किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो किसी सेगमेंट की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्ट्रेट वायर है तो कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जीरो आ जाएगा, बिकॉज तब थीटा की वैल्यू या तो जीरो होगी या 180 डिग्री होगी। तो वायर के ऊपर, अपनी ही वायर के ऊपर, खुद के ऊपर अपने किसी सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, दैट मीन्स हम परपेंडिकुलर टू वायर सेगमेंट देखेंगे, इस सेगमेंट के परपेंडिकुलर अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एंड फोर्थ क्वांटिटी, डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस सेगमेंट डीएल, इनके बीच का जो आर है इस आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इन चारों इक्वेशंस को मिला दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को, तो हमें एक साथ, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं वहां पर कॉन्स्टेंट आ जाता है, यहां पर कॉन्स्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट, ये जो म्यू नॉट है और ये फोर पाई है, ये पूरा कॉन्स्टेंट है। म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो कॉन्स्टेंट आता है उसे हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसके बारे में हम बाद में और भी चर्चा करेंगे, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी भी हो सकती है, और अगर हम
एयर की जगह कोई और मीडियम रख दें तो परमियबिलिटी चेंज हो जाएगी, तब यहाँ पे म्यू नॉट की जगह सिर्फ म्यू आ जाएगा, परमियबिलिटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इस पूरे की वैल्यू 10^-7 इसका मैग्नीट्यूड होता है। यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की क्या यूनिट होती है, टेस्ला। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूरे की यूनिट पता चल जाएगी। तो टेस्ला इंटू ये मीटर स्क्वायर इधर आ जाएगा, डीएल के लिए मीटर हो जाएगा, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, करंट की यूनिट एम्पियर हो जाएगी, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। तो यहां से हम यूनिट निकालेंगे तो ये आ जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई का इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 4π × 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और इसकी यूनिट भी यही होगी बिकॉज 4π की कोई यूनिट नहीं है, तो म्यू नॉट की यूनिट भी यही है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इट इज ए कॉन्स्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अगर यहां पर कोई और मीडियम है एयर की जगह तो यहां म्यू अपॉन 4π आ जाएगा, म्यू की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी किसी अलग मीडियम के लिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, यही आपका बायो सेवर्ट लॉ है। इसी को हम वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप ये देखिए कि यहां पर साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा कब आता है, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट आपने और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है 11th क्लास में। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजल टू ए बी कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। उसी फॉर्मूले को हम यूज करके इसे वेक्टर की फॉर्म में बदलेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ये देखिए कि ये जो डीएल और आई है, ये जो आई और डीएल है, अगर हम इसे एक साथ लिख देते हैं आई डीएल को, तो इसे हम बोलते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। आईडीएल क्या है, इसमें करंट भी है और ये डीएल एलिमेंट भी है, लेंथ भी है, सेगमेंट भी है। तो आईडीएल क्या है, करंट एलिमेंट है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई के बाद में आई तो स्केलर होता है करंट, तो डीएल के ऊपर आप वेक्टर लगा देंगे तो दैट इज करंट एलिमेंट विद डायरेक्शन हो गया आपका। तो वेक्टर डीएल और वेक्टर आर अगर हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट करें तो डीएल क्रॉस आर की वैल्यू आप पहले डिटरमाइन करके देखिए क्या आनी चाहिए। डीएल क्रॉस आर आना चाहिए ए क्रॉस बी के फॉर्मूले से, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, यहां पर एन कैप इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर। ये जो प्लेन है आपका जिसमें डीएल भी है और आर भी है, 11th क्लास में था, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है और उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। पहले आप थंब को डीएल की डायरेक्शन में रखो क्योंकि यहां डीएल पहले है फिर आर बाद में है, और फिर उसे आर की डायरेक्शन में घुमाओ। तो डीएल से जब आप आर की तरफ को घुमाओगे तो यानी कि डीएल पे पहले रखा आर की तरफ बाद में लेके गए, जब आप घुमाएंगे तो ये क्या है, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होगा, अगर आप स्क्रू ड्राइवर से कोई स्क्रू को घुमा रहे हैं इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्क्रू टाइट होगा या इन आउटवर्ड आएगा, खुलेगा। स्क्रू टाइट होगा, इनवर्ड जाएगा, तो इनवर्ड ही ये मैग्नेटिक फील्ड है। दैट मीन्स ये जो एन कैप है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। तो एन कैप इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। तो यहां पर आप देखो डीएल साइन थीटा है, ये रहा डीएल साइन थीटा, यहां पर भी है डीएल साइन थीटा, यहां पर भी है। यहां एक आर है, यहां आर की कमी है न्यूमिरेटर में ऊपर, तो हम क्या करते हैं डीबी को लिख लेते हैं। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई, एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक आर से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डीएल इंटू आर साइन थीटा, और एक आर से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आर की क्यूब हो जाएगी। और अगर हम इसे वेक्टर डीबी लिख रहे हैं तो यहां एन कैप हो रहा जाएगा, तो डीएल आर साइन थीटा एन कैप। व्हाट इज डीएल आर साइन थीटा इंटू एन कैप, अगर ये इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर आप 6 मान लो, तो इक्वेशन नंबर 6 से डीएल आर साइन थीटा इंटू एन कैप की वैल्यू यहां रख देंगे। डीएल आर साइन थीटा इंटू एन कैप क्या है, वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर। तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा फॉर्मूला, वेक्टर डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू आई वेक्टर डीएल
क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है अपने आप ही ये डायरेक्शन को प्रोवाइड कर रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि वेक्टर आर इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डीएल, तो देन थीटा विल बी जीरो एंड देन दिस क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो, तब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा विल बी 90 डिग्री, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर पोजिशन में। तो ये वेक्टर फॉर्म है बायो सेवर्ट लॉ की। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे। हम देखेंगे कि अगर ये वायर इस तरीके से मुड़ी हुई ना हो के बिल्कुल स्ट्रेट वायर हो, इनफाइनाइट लेंथ की हो, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और डेफिनेट लेंथ की हो तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।